नमस्कार, जगदम्बा बेबी केयर हॉस्पिटल में हम इस समय मौजूद हैं और जगदम्बा हॉस्पिटल के 20 वर्ष समाज में पूरे होने के उपलक्ष्य में डॉक्टर मनोज मित्तल आज सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सर से पूछना चाहेंगे कि क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। नमस्कार। पिछले 20 वर्षों से करनाल की सोसाइटी के सभी स्टेटा के लोग मेरे पास आते हैं पेशेंट्स। उसमें अब जो हमने हॉस्पिटल बनाया है ये NABH के नॉर्म्स और नेशनल बिल्डिंग कोड के नॉर्म्स के हिसाब से बनाया है, तो इसमें समाज का कोई भी तबका, कोई भी वर्ग इन सुविधाओं से वंचित न रह जाए, उसके लिए मैंने दो इम्पोर्टेंट स्टेप लिए हैं। पहला तो ये कि मैं हर मंगलवार को फ्री ओपनिंग देखूंगा सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप कि स्मार्ट सिटी करनाल की स्मार्ट जनता के लिए, स्मार्ट बच्चों के लिए मैंने वेल बेबी क्लिनिक या वेल बेबी विजिट्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उसमें हमारी मेडिकल टीम के एक्सपर्ट काउंसलर्स बच्चों के पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट सलाह देंगे। कुछ बच्चे बीमार तो नहीं होते लेकिन उनमें माता पिता को कुछ कमियां दिखाई देती हैं, क्लियर दिखता है कि भैया तो बच्चे को भूख नहीं लग रही, या बच्चे की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स नहीं हो रही, या बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और बच्चे को कौन से इंजेक्शन लगवाएं, टीके लगवाएं, कौन से वैक्सीनेशन ना लगवाएं, इसके बारे में इश्यूज होते हैं। तो ये जो मेडिकल टीम के काउंसलर्स हैं ऐसी इम्पोर्टेंट जो क्वेरीज हैं उनका सोल्यूशन डेली प्रतिदिन सुबह 9 से 1 की ओपीडी में और शाम को 5 से 7 की ओपीडी में करेंगे, उपलब्ध रहेंगे। और जैसे किसी घर में न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, बेबी बॉर्न हुआ, तो उसकी कैसे मालिश करनी है, कैसे उसको नहलाना है, उसे कैसे कपड़े होने चाहिए, उसको उसकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, जो प्री स्कूल बच्चे हैं या स्कूल की एंट्री के बच्चे हैं, उनको उनके ग्रोथ के पैरामीटर्स कैसे हैं उसके बारे में सलाह देंगे। और 3 साल से बड़े हर बच्चे को योग का इंट्रोडक्शन, जैसे पीछे भी देते रहे हैं पिछले कई सालों से, आगे भी वो देंगे कि योग की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। योग एक यूनिक वैक्सीन है, योग एक अद्वितीय टीका है, ना तो इससे फिर इन्फेक्शन होते जो योग की प्रैक्टिस प्रॉपरली करेंगे, और जो आगे लाइफ में नॉन इन्फेक्शन डिसीज, लाइफ स्टाइल डिसीज होती हैं, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को दम की शिकायत होगी, इनसे भी योग से बचाव होता है। मेरा तो इसमें प्रैक्टिकल, हमारी जो फैमिली है उसका तो प्रैक्टिकल का हमें अनुभव है। तो योग हर कोई करे, हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं। उसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके हेल्थ कंसर्न्स जैसे कि सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज, और उसके वैक्सीनेशन भी इवन बड़े बच्चों के, या खान पान, जैसे आजकल टीनेजर्स का खान पान बड़ा थोड़ा सा जंक फूड की तरफ से वो रहते हैं, फास्ट फूड की तरफ, तो उसके बारे में भी जो सात्विक भोजन लेंगे उसी से विचार सात्विक बनेंगे, और फिर बच्चे आगे से उनकी जो भी डूइंग्स होंगी, जो अच्छा काम करेंगे वही अच्छा काम होगा, ये कुछ होगा। और फिर हमारे जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने फिट इंडिया का मंत्रा जो दिया है, हमारी पूरी उसमें सहमति है और हम उसको फॉलो करते हैं, और हमारी हेल्थ टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हेल्थ हमारी ठीक है, देश के बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो पूरे देश की मानसिकता स्वस्थ होगी और आगे फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा। जैसे जापान में हेल्थ कॉन्शियस बच्चे हैं, वहाँ पे जो 99% अटेंडेंस होती है वो 71% से भी ज्यादा बच्चों की होती है। इसी तरह से अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ये उसे लाभ मिलने वाला है। बाकी हम आगे बच्चों के इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज के बारे में बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज बनाकर रिलीज करेंगे, तो आप उनको भी देखना ना भूलें। और मैंने करनाल के काफी सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, 150 स्कूल्स एंड कॉलेजेस में और बड़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में योग की वर्कशॉप कराई है, और लगभग 150 ही गाँव में भी मैंने योग की लाइफस्टाइल की वर्कशॉप कराई है। उसके बारे में भी आगे जो कोई करवाना चाहे अपने यहाँ वर्कशॉप, मैं उसे लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।